हाय फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंचाइज से। फ्रेंचाइजर जो हमारे बॉस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपनी फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया दे रहे हो, जिसमें फीड सप्लीमेंट एक्सेसरी तो है ही, साथ में पेट सेलिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, बकायदा इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको वो सुविधा दे दी गई है। तो एक बार दोबारा आपको कॉल करनी है हमारे फ्रेंचाइज मैनेजर से फॉर मोर डिटेल। जहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देखिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी खुशखबरी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर अपना डॉग विद माइक्रोचिप रजिस्टर करवाना चाहते हो तो हम वो ऑफर भी आपके लिए लेकर आए हैं। आपका बकायदा डॉग का कार्ड बनाया जाएगा, उसमें आपको अलग अलग हमारे ऑफर्स मिलेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया डॉग शो कराने वाले हैं, उसमें भी आप अपने डॉग का एसेस कर सकते हो। आप अपने डॉग का डिजिटली हेल्थ कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड भी बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कलजीत कौर है और ये है मेरा पेट केटी। ये हमारा फैमिली मेम्बर ही है, फीमेल है, लेब्रा फीमेल है, और ये इसकी रिपोर्ट्स है। हमने इसके एक्सरे करवाए थे प्रेगनेंसी के लिए, कंफर्म करने के लिए। 48 डे पे वर्ड करवाया था और एक शायद 50 या 52 अराउंड करवाया था। तो मैं आपको पहले एक्सरे दिखा देती हूँ, फिर बाकी की बात करते हैं। तो ये है 20 वाला जो पहले करवाया था हमने एक्सरे। ये अरविंदर पाजी अच्छे से आपको दिखा पाएंगे, मैं उनके पास ये एक्सरे ले जा रही हूँ, तो इसमें आपको क्लियर दिख सकेगा कैसा है कैसा नहीं है। और ये है 25th वाला एक्सरे, ये भी आपको अरविंदर पाजी दिखा पाएंगे अच्छे से। एक्चुअल में हमारी जो फीमेल है लैब केटी, जिसका नाम है, वो थोड़ी हैवी वेट थी, मीन्स उसको थोड़ी मोटी कह सकते हैं। तो हमने उसका जब प्रेगनेंसी के बारे में सोचा, 2 ईयर्स की कंप्लीट हो गई है, वो 2 साल की है, तो हमने जब सोचा था कि उसको बेबीज करवाने हैं, अरविंदर पाजी से सजेस्ट किया था हमने कि कैसा क्या होगा कैसे नहीं होगा, तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि हाँ अभी उसका टाइम है, हम करवा सकते हैं, जब भी वो हीट पे आएगी तब, उसके थोड़े दिनों बाद। तो हमने करवाया, तब भी ऐसा, जब हमने जब उसकी मीटिंग हुई थी तब भी हम श्योर नहीं थे कि उसको वो कंसीव कर पाएगी बेबीज के नहीं, उसके फैट के लिए। तो हमने वो डेट याद रखी जब उसका हमने मीटिंग करवाया था, उसके 20 डेज अराउंड हमें थोड़े सिम्टम्स लगे थे कि नहीं वो हैवी हो रही है, उसका स्टमक थोड़ा बड़ा हो रहा है, तब हमें लगा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद मेरी मॉम ने जब 35 डेज अराउंड हो गए थे, तो वो कुछ वाइट जैसा पानी फेंक रही थी, मीन्स मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वाइट जैसा पानी कुछ उसकी हाँ वो नाले कर रही थी, ये मेरी मम्मी को ज़्यादा पता है, तो वो कर रही थी। तब हमें श्योर हुआ कि नहीं वो प्रेग्नेंट है। फिर मैंने अरविंदर पाजी से जाके बात की, तब उन्होंने बोला कि अब इसकी टैबलेट स्टार्ट करने, विटामिन वगैरह सब स्टार्ट करने, तो इसका एक बार एक्सरे करवा लेना चाहिए कुछ दिनों के अराउंड। तो हमने करवाया, लेकिन उसमें डॉक्टर ने भी श्योरिटी नहीं दिखाई कि नहीं इसमें बेबी है, उसने कंसीव किया है कि नहीं किया है। डॉक्टर ने भी ये बोला कि मे बी वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर बेबीज नहीं है, वो सूडो प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, वो शायद उसको हो गई है। फिर अरविंदर पाजी से भी हमने बात की, काफ़ी देर हमारी बात हुई, तब उन्होंने बोला कि मे बी हो सकता है, आप अपनी तरफ से ध्यान रखो। तो वो हमने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा उसको, जैसे जितने टैबलेट्स फीड जो भी देना था हमने पूरा उस तरीके से उसको किया। तो उसने अब जो है वो हेल्दी बेबीज बॉर्न किए हैं, 6 मार्च 2019 को अपने हेल्दी बेबीज बॉर्न किए। पहला बेबी जो था 8:35 AM मॉर्निंग में आया था, तब हाँ उससे पहले हम खुश श्योर रही थे कि वो बेबी बॉर्न करेगी कि नहीं करेगी। हम लोग भी थोड़ा डर चुके थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वो हेल्दी है, वो फैटी है, इसलिए शायद बेबी अंदर नहीं है, उसको सूडो प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो हम लोग भी श्योर नहीं थे, लेकिन जब वो फर्स्ट उसने जो बेबी दिया, हमने बहुत उसका ध्यान, पहले ही 2 दिन नाइट से वो थोड़ा वीक हो गई थी, लेट गई थी, उसके सिम्टम्स में जैसे अरविंदर पाजी ने हमको बताया था या उनके वीडियो से हमें पता चला था, वैसे उसके सिम्टम्स हो चुके थे। तो हम लोग डे नाइट उसकी केयर कर रहे थे, तो
उसमें हमें पता चला कि फर्स्ट बेबी जब आया तब हम श्योर हुए कि उसके अंदर बेबीज है, लेकिन कितने बेबीज है वो भी हमें श्योरिटी नहीं थी। तो फर्स्ट बेबी के बारे में मैं बात कर रही थी कि फर्स्ट बेबी उसका 8:35 मॉर्निंग में एएम में आया था 6th मार्च 2019 को, और ये है उसके हेल्दी बेबीज, आप देख लीजिए। इनमें से मैं बता सकती हूँ कि उसका फर्स्ट बेबी बॉय था कौन सा था वो भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। ये रहा, ये उसने फर्स्ट जो बेबी दिया था ये वो है, आप देख लो पूरा प्रॉपर हेल्दी है। और जो फादर था मेल वो ब्लैक था, तो सब बेबीज ब्लैक थे। ये रहे, उसने 7 बेबीज दिए और ये रहे वो। तो ये केटी के बेबीज हैं और ये केटी है। केटी तो ये अभी भी थोड़ी हेल्दी ही लग रही है, कोई बात नहीं। ये हमारी फैमिली मेंबर है केटी। अरविंदर बाजी की वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली, मैंने वो देख के ही बेबीज केटी के करवाए हैं। तो आप भी देख सकते हैं सारी वीडियोस, और ये हैं उसके हेल्दी बेबीज जो कि उसने डिलीवर कर दिए हैं। और अब शायद जिन्होंने बोला था कि उसको सूडो प्रेगनेंसी हो गई है या उसके बेबीज नहीं दिख रहे हैं, या कभी आपके साथ भी ऐसा केस हो तो आप लोग भी एकदम श्योर मत हो जाना कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वही सही है। कभी कभी केस में होता है कि फीमेल जो है वो हेल्दी होती है ज़्यादा, तो शायद एक्सरे में नहीं दिख पाते उसके बेबीज, ऐसा मे भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ, तो जो भी हुआ मैंने उसका वीडियो तो रिकॉर्ड किया है, आपको उससे हेल्प मिल सकती है जितनी, वो आप देख लीजिएगा कितनी मिल सकती है। और ठीक है, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने वीडियो देखा, क्या एक्सरा फेल हो सकता है, फेलियर हो सकता है? क्योंकि जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे स्कैनिंग या फिर अल्ट्रासाउंड उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर एक्सरे का सहारा लिया जाता है। एज ए ब्रीडर, जहाँ प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, ये बहुत हमें हेल्प करता है एक्सरे में कि कितने पपीज़ हैं। और अब जब डिलीवरी होती है तो हमें प्रॉपर अंदाज़ा होता है, क्योंकि कभी बहुत सारे केस में ऐसा भी मुझे सुनने में आता है या हमारे फार्म में होता है कि एक पप्पी अंदर रह जाता है, क्योंकि लास्ट वाला पप्पी 90% बहुत वीक होता है, तो अगर भगवान ना करे एक्सपायर होता है तो फिर वो अंदर रह जाता है, तो बाद में हमें दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ता है कि अंदर फीमेल के इन्फेक्शन हो गया है। तो कई बार तो न्यूट्रस या आप कह लो कि बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ती है, तो फिर रेस्ट ऑफ लाइफ फीमेल कभी बच्चे नहीं देती। तो हमें इस सब प्रॉब्लम से बचाता है एक्सरे, और इस केस में एक्सरा फेल हो गया। इसके अभी प्रॉपर रीज़न तो मैं नहीं आपको दे पाऊंगा, हो सकता है वो मशीन ख़राब, एक रीज़न हो सकता है कि ओवरवेट, लेकिन मैं उतना उसको ज़्यादा इतना अहमियत नहीं देता। मशीन ख़राब हो सकती है, लेकिन फॉर बेटर 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 रिजल्ट के लिए अगर एक्सरे के बाद भी कुछ ना दिखाई दे, फिर आप स्कैनिंग या अल्ट्रासाउंड की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि कितने पप्पी अंदर हैं, हेल्थी हैं, ये सब हमें मालूम हो पाना है। क्योंकि एक होता है अंदाज़ा लगाना, अंदाजे से मच बेटर है कि अगर हमारे वहाँ नियर बाई ये सुविधा है उपलब्ध, तो हमें उसका ऑप्शन लेनी चाहिए। क्योंकि ये दो एक्सरे हैं मेरे पास, एक जो आफ्टर 45 डेज करवाया था और एक आफ्टर 50 डेज करवाया था, और इसमें 50 डेज के प्लस में मैं कुछ शो हो रहा है, मुझे कुछ 5-6 हेड पपीज़ के हेड दिख रहे हैं, और मैंने तब भी सिस्टर को बोला था कि मुझे लग रहा है कि पपीज़ अंदर हैं, लेकिन हमने 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट किया था और उन्होंने कहा कि झूठी प्रेगनेंसी है, वो हो जाती है अक्सर, भगवान ना करे फीमेल्स को ज़्यादा हो, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, तो है नहीं। तो माय फ्रेंड, आप भी वेरी वेरी केयरफुल, फीमेल्स जब भी प्रेग्नेंट होती है 45 डेज के बाद एक्सरा जरूर करवाइए, ताकि हमें क्या बच्चे कितने हैं, कैसे उसकी टेक केयर करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ पास हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।